1962 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव करवाए गए थे तब राज्य में कुल 1,03,00,000 से ज्यादा मतदाता थे। निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 176 विधानसभा सीटों के लिए हुए इन चुनावों में कुल 48,00,000 रुपए का खर्चा आया था। तब एक वोटर से वोट डलवाने का औसत खर्चा 50 पैसे से भी कम आया था, यानी 0.46 पैसे का खर्चा आया था। 56 साल बाद जब 2018 में विधानसभा चुनाव करवाए गए तब खर्चा 92 गुना बढ़कर 42.53 रुपए प्रति वोटर आया था। बता दें, 56 साल में वोटर्स की संख्या बढ़ गई है। विधानसभा की सीटें 176 से बढ़कर 200 हो गई है। वही अगर पिछले विधानसभा चुनाव के खर्चे की बात करें, यानी 2018 की, तो आपको बता दें 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 203.27 करोड़ रुपए का खर्च आया था और प्रति व्यक्ति का खर्च 42.53 रुपए आया था। वही अगर हम 2013 के चुनाव की बात करें तो उस समय चुनाव में 144 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। साल 2008 तक हुए विधानसभा चुनाव में खर्चा 100 करोड़ रुपए से भी कम आता था, लेकिन धीरे धीरे ये खर्चा बढ़ गया। दरअसल 2008 में प्रति वोटर का खर्च औसतन 15.34 रुपए आया, लेकिन 2013 में जब वोट करवाए गए तो प्रति वोटर का खर्च 2 गुना से ज्यादा आया, जो 2013 में बढ़कर 35.27 रुपए हो गया। बता दें, 2013 से 2018 तक प्रति वोटर्स पर खर्च करीब 20% तक बढ़ा है। विशेषज्ञों का आकलन है कि जिस तरह हर 5 साल में विधानसभा चुनावों का खर्चा बढ़ रहा है, उसे देखकर अनुमान है कि इस बार एक वोटर पर खर्चा करीब 51 रुपए तक आ सकता है। आजादी के बाद से अब तक राजस्थान में 14 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस साल 15वीं बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर बार विधानसभा चुनाव में वोट डलवाने पर होने वाला खर्चा 56 सालों में 92 गुना तक बढ़ गया है। वही वोटर्स की संख्या 5 गुना बढ़ी है। वही अगर हम दो प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों की रिपोर्ट देखें तो भाजपा और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों ने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार पर अपने स्तर पर कुल 55 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि खर्च की है। ये वो धनराशि का औसत है जो चुनाव के बाद प्रत्याशियों ने अपने खर्चे में दिखाया है। इसके अलावा पार्टियों की ओर से अलग अलग पैसा भी खर्च किया गया था। बता दें, चुनाव आयोग की ओर से किए जाने वाले खर्च के अलावा बड़ी धनराशि प्रत्याशियों और पार्टियों के जरिए खर्च की जाती है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।